सो ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है पखुआ टॉप की और अभी बुग्याल से नीचे को निकल रहे हैं, फिर उसके बाद हमको ट्रैक के ऊपर निकलना ही है। अपने चुनिंदा प्रेमी साथियों के साथ निकल रहे हैं, यह है सागर, जानते ही हो आप। नमस्कार आप सभी को। तो आज हम आज का ट्रैक शुरू कर रहे हैं लेके अपने प्रभु का नाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा करते हैं कल की तरह आज भी मौसम साफ रहेगा, बहुत बूंदाबांदी हुई थी फिर रुक गई है, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, देखते रहिए कैसा मजेदार है पंखो ट्रैक। इस शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, कलर का सत्ता वाला रंगीन भाई साहब है, बहुत सही। जिस माहौल में ढालोगे उस माहौल में ढलने को तैयार। पीछे से हिमालयन हॉक, हमारे द फेमस सिनेमेटोग्राफर, और उनके साथ में नीलेश डबल का नहला। कल उसने ऐसे ऐसे गेम खिलाए ना, ऐसे ऐसे गेम खिलाए भाई, जादू भी दिखा। सो आगे का मैं दिखाता हूँ आपको व्यू। तो ये यहाँ का ऊपर का सीन, क्या सीन है? सामने हमारे मैकतोली और वो सब सारे रेंजेस, और यहाँ से नीचे को है सारा का सारा बुग्याल एरिया है, फिर इसके ऊपर से चढ़ाई होगी, यहाँ से सामने से हम जाएंगे और फिर यहाँ से आगे को जाके वो ऊपर टॉप में, वो जो आगे वाला टॉप दिख रहा है जहाँ बादल है, वहाँ हमको जाना है। तू समझा, उसी का नाम है पखुआ बुग्याल। तो जैसे कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आगे को जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट एक जगह पे जब इतनी अच्छी लोकेशन मिलने को हो जाती है तो आगे को हो ही नहीं पाता जाने को। जैसे जैसे हम आगे को निकल रहे हैं, होप्स हो कि आगे भी इससे अच्छा ही होगा। कुछ चंद शब्द हम यहाँ के बारे में सुनेंगे हमारे हिमालयन हॉक से, कुछ बताना चाहेंगे वो। अभी नहीं, थोड़ा शर्मा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, यू आर इन द फ्रेम। ये गजब बेइज्जती है, ये है वो भाई जो शर्मा रहा है, देखिए। तो आपको तो कोई मिलता भी नहीं होगा यहाँ, है नीचे और भी आए होंगे आपके साथ में। चलो सही है, फिर से शाम को जाओगे? थोड़ी देर में निकलते हैं। अच्छा, सिर्फ आप छोड़ने आए थे? हाँ, छोड़ने आए हैं। और छाना वाना? छाना वाना नहीं है, ऐसे फ्री रहते हैं। फ्री रहेंगे, चलो ठीक है फिर भैया। झूनी गाँव में, हाँ झूनी झूनी देखो झूनी झूनी। एक पहाड़ी गान तो सुना दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पहाड़ी गान तो सुना दो। पहाड़ी गाने उतनी नहीं आते, अरे एक लाइन बस, एक लाइन। तुम गुनगुनाओगे? हाँ, क्या बोलते हैं, किसी का भी हो गाना, क्या बोलते हैं ये, हाय तेरे रुमाला, ना 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 हाय रुमाल वाला भी नहीं, हाँ बिमला। तो गाओ तो सही, गाओ तो सही, एक बार मिल गया ना चोरी का नाम भी। और अरे पब्लिक वेट कर रही है यार, देवदा बोलो ना, पहाड़ी का ना घूम गया यार। कोई भी और दूसरा बोल, हीरा बोल, केसु तेरा मन में, केसु तेरा दिल में, रोल बोल हीरा बोल, केसु तेरो मन में, बोल हीरा बोल, केसु तेरो दिल में, किले छे दिसाई तू, बोल हीरा बोल। तो अभी आधा किलोमीटर 500-700 मीटर के बाद हम एक जगह पे पहुंचे हैं, और नीचे जो खलजुनी गांव दिख रहा है यहाँ से, काफी सही लोकेशन है। कौन रहते हैं भैया वहाँ? अधिक भोटिया लोग रहते हैं, मर्तोलिया, मर्तोलिया लोग। कोई देख रहा होगा उनमें से तो अच्छा लग रहा होगा उसको। बाकी क्या बोलती है, वो जो लाल वाला बटन है उसे तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, मुझे लाल वाला बटन है तोड़ दो, फोड़ दो। कौन सा, क्या सोच है रे तेरी, कौन सा लाल बटन? अच्छा सब्सक्राइब कर रहे, बेल आइकन दबाया नहीं, दबाया हूं, घंटा दबाया, जरूर दबाना घंटा, समझा। और हम भैया के साथ बैठे हैं, काफ़ी सही सही चीज़ें मिलने को सुनने को मिल रही है यहाँ पे, मतलब लोगों के बारे में, जैसे खलजुनी गांव के बारे में, उनका स्कूल, खलपटा, तो अलग अलग ग्राम, खलपटा दिख रहा है यहाँ से, गासी गांव, ये पूरी कपकोट वैली हुई ना, कपकोट, लाहौर, लाहौर, एक लाहौर है, एक लाहौर है, तो मतलब बस हूर है उसमें हौर है। ये है हमारी दानपुर वैली, दानपुर वैली बिल्कुल, इसको कर रहे हैं दानपुर। सागर भाई है, ये दानपुर वैली से ही बिलोंग करते हैं। अब आगे को चलते हैं, अभी हम 3125 के अराउंड में दिख रहा था, उस हाइट में अभी 32 में आ गए होंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे
और वहां पे से जो व्यू होगा आप फील करिएगा उसको, ठीक है। To start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. Gashi, Kui, Supi, Patiazar. अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। सो हमारे जाबाज जिंदा दिल बादशाह लोग निकलने को तैयार। ये बंदा हमें साथ जोड़ते हुए दिखेगा, ये बहुत भक्ति भाव वाला इंसान है। इस शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। वेलकम टू पहाड़ी ट्रेल्स। वैसे जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से थोड़ा सफ़र कवर किया था और फिर से चढ़ाई आ गई। अब बड़ी जद्दोजहद से अब ये कश्मकश पार करना पड़ेगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? के साथ हम कंगू टॉप भी पहुँच जाएंगे, ये खुशी की बात है। जिस पॉइंट पे पहुँचने का जो समिट है हमारा, तो आज हम पहुँचने वाले हैं अराउंड आधे घंटे के अंदर। ओ भाई, किसी अच्छे नज़ारे को देखने के लिए करना पड़ता है, वो कर रहे हैं। और ऊपर जाके सारी थकान दूर हो जानी, हमको पता है। उसी नज़ारों के लिए ये सब दुख तकलीफ, बिना नहाए धोए खाना खाए। कितने दिन से नहीं नहाया, ऐसे लगे पड़े। आज ये ट्रैक में 3 दिन हो गए, पीने के लिए मिल जाता है स्रोत से, बट नहा नहीं सकते हैं क्योंकि बॉडी हमारी एकदम से नहाएंगे तो एक्लोमेटाइज नहीं हो पाती है। एडवेंचर, रफ लाइफ, रफ एंड टफ, ये करना पड़ता है और इसी में मजा भी है। लेकिन सच बताऊं, मजा इसी में आता है। जहां पहुंचने का सपना है तुम्हारा, वहां बसेरा है हमारा। ये भाई समझ के बोल रहा हूं यार। और एक बात और, अगर आपको ऐसी थ्रिल से भरी लाइफ देखनी है, थ्रिल एडवेंचर, तो हमारे भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या सोच है रे तेरी? ये आपका बड़प्पन है भाई, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको साथ में ले चले। मैं हमेशा कहता हूँ, कैमरा चाहे कुछ भी हो, ये कभी जस्टिफाई नहीं करता व्यू को। जो हमारी आंखें देखती है ना, एग्जैक्टली, वो कोई भी कैमरा कैद नहीं कर सकता। रुको जरा, सबर करो। अपनी जो नंगी आंखों से देखा हुआ सीन होता है ना, उसका फील ही अलग होता है। वर्चुअल टूर इज मोर इजी देन दिस डिफिकल्ट लेवल। आप बने रहिएगा, आगे मिलते हैं। बाकी सब बढ़िया है। तैसे जैसे वैसे इस चढ़ाई को पार करके हम इस जगह में पहुंच ही गए भाई। यूं ही सफर कट जाए इन दोस्तों के सहारे, और क्या चाहिए बाकी सब। जगे तगे ये उगे, यू डांड में पूछ गयी, बता। देख रहे व्यू, वाओ स्वैग है, व्यू का स्वाद आ रहा है व्यू में, और क्या चाहिए। मौसम ना पहाड़ों में बदलते हुए बिल्कुल करवट नहीं लेता, चेंज इतनी जल्दी होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब करवट ले ली। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब आगे को चलते, बताइएगा ये कैसा लग रहा है, ये मुझे रास्ते में मिला था।